दूसरा, धरातल से ऊंचाई। हम धरातल से ज्यों ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। वायुमंडल का तापमान मुख्य रूप से पार्थिव विकिरण, पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा से बढ़ता है। वायुमंडल का निचला भाग पार्थिव विकिरण से अधिक और ऊपरी भाग कम ताप प्राप्त करता है। वायुमंडल की निचली परत में मौजूद जल वाष्प, धूल कण तथा विभिन्न प्रकार के गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ताप को अवशोषित कर लेते हैं, अतः धरातल के पास अधिक तापमान रहता है। वायुमंडल की ऊपरी सतह में इसकी कमी से तापमान कम रहता है। प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर औसतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि हम धरातल से जैसे जैसे ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, हवा विरल हो जाती है। सूर्य की सीधी किरणों की अपेक्षा विकिरण से धरातल के पास की हवा ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में पहाड़ों पर कम तापमान होने के कारण लोग लेह, शिमला, मसूरी, मैनपाट आदि जगहों पर जाते हैं। विकिरण किसी गर्म वस्तु से तरंगों के रूप में निकली हुई ऊष्मा को विकिरण कहते हैं। दोपहर 12 बजे पृथ्वी को सूर्य से ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, लेकिन लगभग 2 बजे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उस समय पृथ्वी की गर्म सतह से ऊष्मा तरंगें विकिरण के रूप में निकलने लगती हैं। तीसरा, समुद्र से दूरी। समुद्र तटीय क्षेत्रों में साल भर लगभग एक समान तापमान होता है, अर्थात सम जलवायु, जबकि समुद्र से दूर के क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। हमने कक्षा 8वीं में विस्तार से समझा था कि सम जलवायु का अर्थ होता है सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान के अंतर का कम होना, तथा विषम जलवायु का अर्थ है सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान का ज़्यादा अंतर होना। ऐसा क्यों होता है? पानी की विशेषता है कि वह देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा। इसके विपरीत स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं तथा जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन में चलने वाली कम गर्म समुद्री हवाओं से तापमान सम बना रहता है, परंतु समुद्र तट से दूर स्थित स्थान पर समुद्री हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः वहाँ की जलवायु विषम होती है। चौथा, हिमालय पर्वत की स्थिति। भारत के उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में हिमालय एवं अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इन ऊंची पर्वत श्रेणियों के कारण मध्य एशिया की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये दक्षिण पश्चिम से चलने वाली मानसूनी हवाओं को बाहर जाने से रोकती हैं तथा ध्रुवीय ठंडी हवाओं को भी भारत में आने से रोकती हैं। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय की स्थिति जलवायु को नया रूप प्रदान करती है, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के नाम से जाना जाता है। पांचवा, वायुदाब। वायुदाब का संबंध तापमान के साथ होता है। जब तापमान अधिक हो वायुदाब कम, और जब तापमान कम हो तो वायुदाब अधिक होता है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ऐसा क्यों? निम्न वायुदाब का अर्थ होता है वहाँ की हवाओं का विरल होना। किसी भी स्थान की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे वहाँ की हवा विरल होती है। मान ले एक जगह पर एक घन मीटर में हवा के अणुओं की संख्या 100,000 है और दूसरी जगह पर एक घन मीटर हवा में अणुओं की संख्या 110,000 है, तो कहेंगे कि पहली जगह पर हवा का दबाव दूसरी जगह से कम है। अब दूसरी जगह से हवा पहली जगह की ओर बहेगी। छठवां, मानव द्वारा निर्मित कारण। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, औद्योगीकरण, नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, निवरणीकरण आदि भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण बन गए हैं। इसका जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। ऋतुएं, मौसम विभाग द्वारा भारत में वर्ष को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शरद ऋतु, चौथा शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु,
ग्रीष्म ऋतु लगभग मार्च से मई के अंत तक रहती है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। मार्च के बाद से मई तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उस समय उत्तर भारत में तापमान अपने चरम पर होता है। तापमान की अधिकता के कारण थार के मरुस्थल से लेकर पूर्व में गंगा के मध्य मैदान तक कम वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है। मार्च से मई तक उत्तर भारत में दिन में गर्म एवं शुष्क पश्चिमी पछुआ पवने तेजी से बहती हैं, जो रात में धीमी हो जाती हैं एवं दिशा कोई निश्चित नहीं होती। इन पवनों को लू कहते हैं। ये पवने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य मैदानी भागों में महसूस की जाती हैं। इन महीनों में कभी कभी धूल भरी तेज आंधी के साथ बारिश भी होती है, जिससे तापमान कम हो जाता है। इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी और दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि कहते हैं। कभी कभी समुद्र की ठंडी पवनों के साथ मिलने से ये तूफान का रूप ले लेती हैं, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश होती है।